भाई लोग कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो यार अभी फिर सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी फिर मैं कॉलेज जा रहा, तो बस अभी फिर नहा के आया हूँ और फिर अभी खाना वगैरह खाएंगे, एक आधी चपाती, फिर चलते कॉलेज। और फिर बाहर का वेदर भी बताता, और मैं स्कूटी से जा रहा बहन के साथ कॉलेज, तो जल्दी चल पड़ा। थोड़ा ऐसे पैदल जाता फिर तो टाइम लगता है थोड़ा। तो गाइस ये हेलमेट ले लिए मैंने, तो अभी चलते हैं। और बाहर देखिए ये डॉग है, देखिए, और ये दूसरा डॉग है, ये भी यहीं पे बैठा हुआ है, और कैट ऊपर है। और बाहर का मौसम देखिए, आज बादल 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 हैं, थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है। तो अभी यहाँ पे पहले फॉग थी, फिर वो तो गायब हो गई थोड़ी थोड़ी। और ये स्कूटी है, तो बस करते स्कूटी स्टार्ट और चलते फिर। तो गाइज अभी कॉलेज से आ चुके हैं और अभी टोटली टाइम 11 बज रहे। तो आज कॉलेज में एक भी क्लास नहीं लगी। वो आए थे हमारे टीचर, तो उन्होंने बोला कि क्लास नहीं लगेगी, तो अभी चले हैं घर की तरफ। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज गया क्यों था अगर क्लास नहीं लगी, ऐसे टाइम पास ही हुआ। तो अभी चलते घर 11 बजे टोटली, और फिर जाके खाना वगैरह खाएँगे क्योंकि सुबह नहीं खाया था, आधी चपाती खाई थी मैंने। तो बस चलते हैं अब। और सच यार सबसे बुरा कॉलेज का सीन यही होता कि क्लासेस का पता नहीं होता कि लगेगी या नहीं। फिर जैसे क्लास है मतलब टोटल 11 बजे, तो हमें जैसे टीचर से बता देंगे 10:30 या 9 बजे कि क्लास नहीं है, अगर पहले बता दे तो हम जाए नहीं। बट चलो अब क्या कर सकते हैं, तो अब चले हैं घर की तरफ। और वेदर देखिए गाइस, आज वेदर बारिश वाला है, देखिए तो बारिश हो सकती है कभी भी। और टाइम देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा, अभी देखिए 10:57 हुए हैं। और चल पड़े अभी घर की ओर, बस चलते हैं फिर। और मेरे को हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मैं टोटली 9:30 बजे चला था घर से और 10:30 वापिस भी आ गया, तो टोटली 1 घंटा स्पेंड किया कॉलेज में और अब आ गए। तो चलिए चलते हैं अब, जाके टीवी वगैरह देखेंगे, व्लॉग वगैरह एडिटिंग तो अपलोड तो कर दिया मैंने, और तो डाल दी था मैंने 10:00 ही। तो चलते हैं अब घर, अभी यहीं पे जाने। देखियो बिल्डिंग जैसी सामने, सो टोटली 5 मिनट का रास्ता है, तो बस चलते हैं जल्दी जल्दी। और फिर खाना खाएंगे क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट तो नहीं किया मैंने, तो खाना खाएंगे और फिर मज़े से रेस्ट ही होगी आज तो, और कोई काम नहीं है। और ऐसे तो मैं सोच रहा था कि रनिंग शुरू कर देनी, बट मंडे से करते रनिंग शुरू। सो बस चलते अब जल्दी जल्दी। सो बस गाइस अभी रोड पे आ चुके हैं, तो अभी यहीं से टोटल थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है और चले हुए हैं। और हंसी आ रही है मुझे तो क्योंकि इतने जल्दी आ गए घर वापस, बट चलो कोई ना, अब कल सैटरडे है तो कल क्लासेस होंगी, तो कल लगा देंगे। और आप थोड़े से शॉर्ट्स चेक करें, मैं थोड़े से स्लो मोशन में शॉर्ट्स बनाता। पंखा लगा दिए मैंने और बाहर धूप है, तो बस अब रेस्ट करते। तो गाइज अभी फिर दोपहर के 1:30 हो रहे हैं और अभी बस मैं सो के उठूँ, तो फिर चलिए अब फिर आज खाने में देखते हैं क्या बना हुआ है, फिर खाना खाते हैं। और ये देखिए डॉग बैठा हुआ है, वो बाहर आ गया देखिए। और बाहर थोड़ा थोड़ा धूप वाला मौसम भी है और बारिश का मौसम भी है, अब ये घूमेगा थोड़ी देर बाहर। और चलिए चलते हैं अंदर। गाइस आज काले चने बने हुए हैं, तो ये तो अभी इनको तुड़का लगाना हुआ है, तो मम्मी ने बोला था कि प्याज काट देना, तो मैं अब प्याज काट देता। तो फिर जल्दी जल्दी प्याज काट देते हैं और फिर खाना खाएंगे। और यार एक तो प्याज भी ख़त्म हो गया घर पर, तो ये छोटे छोटे प्याज हैं देखिए, तो इनको काट देता मैं जल्दी जल्दी, फिर मम्मी आके खाना बना देंगे।
सो गाइज अभी प्याज हमने काट दिए छोटे छोटे पीसीज में, तो अभी बस मम्मी फिर इनको आके बना देंगे। साथ में चावल डाल देता मैं एक दो गिलास और फिर खाएंगे मज़े से खाना। और आज मैंने अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन ली है, ये मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, तो अच्छा लगता है मेरे पे और वीडियो में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये। और वीडियो देखी कैसी अच्छी आ रही क्वालिटी, ये अच्छा होता है कि दिन में अच्छी क्वालिटी आती है, बट जैसे मैं अंदर बनाऊँ कमरे के अंदर तो क्वालिटी ठीक नहीं आएगी, बट जैसे बाहर बनाता तो क्वालिटी अच्छी आती है। पानी भी लेते थोड़ा सा। यार अभी मेरा मन कर रहा कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँ, तो चलिए फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। सो बस यार अभी एक जार ले लिया है, अब बीच में दूध डाल दिया थोड़ा सा एक गिलास और बर्फ़ डाल दी है, और ये कॉफ़ी है इसको डालेंगे इसके अंदर और फिर बस अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ में थोड़ी सी चीनी भी डाल देंगे जिससे कि अच्छा टेस्ट है कोल्ड कॉफ़ी का। तो गैस एक चम्मच मैंने शुगर का डाल दिया है, तो अभी बस इनको अच्छे से शेक करते हैं और कोल्ड कॉफ़ी रेडी होगी। बस गैस अभी शेक करते हैं और फिर बनेगी कोल्ड कॉफ़ी। सो गैस कोल्ड कॉफ़ी रेडी होगी, तो बस अब इसको पीते हैं, फिर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। सो भाई लोग अभी गेट खोल देते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एक आधा घंटा, फिर खाना खाएंगे। सो गेट खोलते हैं अभी। ये दूसरा भी खोल देते हैं साथ में। तो अब चलते गेट खोल दिए, अब रेस्ट करेंगे जाके, और खाने बनने में तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो गाइज अभी खाना खा लेते, अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं तो भूख लगी है, खा लेते खाना। सो गाइज अभी रेडी हो गए हैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए, तो अभी बस ये स्कूटी है, करते स्टार्ट और चलते। और वेदर भी बारिश वाला बन रहा है, सो आप ये चेक करें। सो देखिए मौसम भी ये बारिश वाला बन रहा है, तो बारिश हो सकती है, तो इससे पहले पहले जल्दी जल्दी चल पड़ते। सो ये स्कूटी गाइज, तो चलिए मैं थोड़े से शॉर्ट्स ले रहा, आप ये इंजॉय करें। By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. So helmet पहन लिए guys, बस स्कूटी करते स्टार्ट और चलते, और मौसम बारिश वाला है। So हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से टोटली 40 किलोमीटर, तो चलते हैं फिर जल्दी जल्दी। So guys अभी फ्रूट लेने के लिए रुके रुके तो बस चलते फिर थोड़ी देर बाद। और आप ट्रैफिक देखिए कितना ट्रैफिक है हमीरपुर में इस वक्त, और टाइम अभी 4:16 हुए देखिए, और आप ट्रैफिक चेक करें ट्रैफिक इतना ज़्यादा देखिए, और देखिए ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा है देखिए यार। सो बस फ्रूट लेते हैं जल्दी जल्दी और चलते हैं फिर यहाँ से। सो गाइस डेस्टिनेशन में आ चुके हैं, और ये देखिए अब चलते फिर। सो गाइज अभी जा रहे हैं डेस्टिनेशन से, अभी टोटल टाइम 5:37 हो रहे हैं, तो बस चलते हैं, ओपन थे हेलमेट और चलते फिर। भाई लोग देखिए अब हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। देखिए गाइज अभी शनिदेव मंदिर आ चुके हैं, ये सामने देखिए हनुमान जी की मूर्ति है, और ये सारा देखिए मंदिर है, और ये एक और मूर्ति देखिए पीछे से, और ये नीचे सारा लंबलू है देखिए,
और सनसेट हो रहा है, देखिए कितना प्यारा। सो बस ये अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। और ये हमारी स्कूटी है, सो बस चलते हैं। और ये रास्ता देखिए, ये महादेव का, बिलकेश्वर महादेव के लिए जाता रास्ता, वहाँ पर हम आज गए थे। ये देखिए मूर्ति भी है शिव जी की यहाँ पे। तो बस, और अगर आपको जाहू जाना है तो सीधा जाना है, तो बस चलते हैं अभी। अभी हमको नीचे जाना है, हमीरपुर यहाँ से टोटली 10 किलोमीटर है, 15, तो चलते फिर। ठीक है भाई लोग, यहाँ से व्यू देखिए कितने अच्छा आ रहा है, देखिए और सनसेट हो रहा है सामने, और देखिए बसेस भी आ रही है नीचे से। और आप यार व्यू देखिए, तो बस चलते हैं, इस व्यू को करते हैं बाय और चलते हैं फिर हमीरपुर। और ये स्कूटी है, तो बस चलो लेट्स गो। सो गाइस, अभी घर पहुँचे हैं, तो अभी बस फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और अंधेरा होने से पहले पहुँच चुके हैं। तो आपको वेदर बताता, वेदर देखिए आप सामने का, ये देखिए स्काई ऑरेंज हुए देखिए, और अभी अंधेरा भी नहीं हुए ज़्यादा। और ये डॉग है जो कि सोए हुए हैं। सो बस मिलता मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और देखो भाई लोग, ये कैट सोई हुई है यहीं पे, देखिए ऊपर ही रहती है। बस अभी यहीं पे घर की छत के ऊपर घूमते थोड़ी देर, और फिर खाना वगैरह खाएंगे, टीवी देखेंगे। गाइज अभी 7:30 हो रहे हैं, और मैगी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मैगी बनाई अपने लिए एक पैकेट दो। तो चलिए अभी खाते हैं फिर, बस थोड़ी सी अभी बन रही है, फिर खाएंगे इसको और साथ में टीवी देखते हैं। सो मैगी रेडी है भाई लोग, अब मैगी खाते हैं और साथ में व्लॉग देखते हैं अपने बाबू भैया का। और यार एक तो यहाँ पे लाइट कम है, तो मैं बिल्कुल देखिए लाइट के पास खड़ा हूँ, तो थोड़ी लाइट ठीक आ रही है, ऐसे नीचे रहूँ तो फिर लाइट नहीं आ रही। देखिए बिल्कुल मैं लाइट के साथ खड़ा हूँ, तो थोड़ी क्वालिटी अच्छी आ रही है। सो गाइज अभी रात के अभी टाइम 8:30 हुए हैं, तो अभी बस फिर खाना खा लिया है, और अभी व्लॉग करेंगे एडिटिंग, फिर टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे, और व्लॉग तो अपलोड फिर सुबह ही होगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और सी प्यारी वीडियोस देखने के लिए।